हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी पनीर आलू कटलेट। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रॉथ स्पेशल कटलेट पनीर और आलू के साथ बनाऊंगी। 3 पीस बॉयल पोटैटो लिया, 200 ग्राम पनीर, 2 चम्मच ऑयल, सेल्फ फ्राई करूंगी, आप लोग डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और आधा बाउल सम्मक के चावल एक ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना लूँगी, और 2 ग्रीन चिली बारीक चॉप करके रखा, 1 इंच अदरक ग्रेट करके रखा, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सिंगा नमक। एक प्लेट और ग्रेटर ले लिया, पहले पनीर ग्रेट कर लूँगी और आलू को भी छिलका निकाल के ग्रेट कर लूँगी। ऐसे सारे ग्रेट करके पहले रेडी कर लेती हूँ। पनीर ग्रेट करके हो गया, अभी बॉयल पोटैटो छिलका निकाल के ऐसे ग्रेट कर लेती हूँ साथ में। सारे ग्रेट करके रेडी कर लेती हूँ। आलू पनीर ग्रेट करके हो गया, अभी ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ग्रीन चिली और जिंजर व अदरक ग्रेट करके रखा वो ऐड कर दिया। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और बाइंडिंग के लिए सम्मा चावल को मैं ग्राइंड में पीस के रखा वो भी ऐड कर देती हूँ। और सारे सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स करके बाइंडिंग कर लेती हूँ, फिर कटलेट बनाऊंगी। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया, अभी कटलेट का शेप में ऐसे जैसे कटलेट का शेप देंगे ऐसे कटलेट बना के तैयार कर लेती हूँ। सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लिया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। ऑयल गर्म हो गया, अभी जो कटलेट्स बनाया सेल्फ फ्राई करूँगी, इसके लिए रख देती हूँ। दो बैचेस में फ्राई करूंगी, एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप करूंगी। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अभी फ्लिप कर लेती हूँ। देखिए कितना बढ़िया कलर आया, दोनों साइड कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूंगी। पनीर आलू कटलेट बन के रेडी हो गया, दोनों साइड अच्छी तरह से क्रिस्पी और कलर चेंज हो गया। अब प्लेट में निकाल के रखती हूँ और सेकेंड बैचेस भी सेम प्रोसेस में फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। सेम प्रोसेस में सारी फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। सारे कटलेट बन के रेडी हो गया, अभी प्लेट में निकल लेती हूँ। टेस्टी पनीर आलू कटलेट बन के रेडी हो गया। ऐसे बनाइए और व्रत में खाइए, और आप लोग को एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।